मंगोलपुरी इलाके में हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीते 19 दिसंबर की रात को राहत चलते शख्स का कंधा टकराने से आरोपी ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे अमरदीप और सागर पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी और सागर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को वारदात के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। दिलवालों को दिल्ली कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में मानो लोगों के अंदर दिल बचा ही ना हो। दिल्ली वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि मामूली से विवाद में भी लोग सामने वाले शख्स की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले को सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने मामूली से विवाद में राहत चलते शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल पूरा मामला बीते 14 दिसंबर की रात का है, जब अमरदीप और सागर मंगोलपुरी एंड ब्लॉक से गुजर रहे थे। उसी दौरान मुकेश वहां से गुजर रहा था, तभी अमरदीप का कंधा मुकेश से टकराया और इनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। अमरदीप शांत होकर वहां से चला गया, लेकिन एक बार फिर घर के पास इनकी बहस हुई और फिर मुकेश ने दो साथियों के साथ मिलकर अमरदीप और सागर पर चाकुओं से वार कर दिया। इस घटना में अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। की जानकारी इन लोगों को अगले दिन अखबार के थ्रू हुई थी, जिसमें इन्हें ये पता लगा कि जिन लड़कों के साथ इनका झगड़ा हुआ था उनमें से एक की डेथ हो गई है और दूसरे को काफी गंभीर चोट आई है और वो अस्पताल में उपचाराधीन है। मुकेश और रौनक दोनों प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं। रौनक इनफैक्ट ये पोस्टर वगैरह चिपकाने का काम करता है और मुकेश पार्ट टाइम ड्राइवर भी है। घटना जिस दिन हुई है उस दिन मुकेश ने अपने दोस्तों के लिए कोई पार्टी रखी थी। उस पार्टी में कुछ अन्य लड़कों के साथ ये मंगोलपुरी में ही एक जगह से शराब पीकर घर की तरफ वापस चले थे। रास्ते में मुकेश ने फ़ोन करके रोहित को बुलाया था। घर जाने के दौरान ही सड़क पर कंधा लगने के ऊपर जो कहासुनी हुई उसमें मारपीट हुई, उसके बाद ये लोग मुकेश के घर चले जाते हैं। जो विक्टिम पार्टी के लड़के हैं वो अपने दो दोस्तों के साथ वहीं सड़क पर भटक रहे थे। जब वो वापस मुड़ रहे थे तो इन तीन लड़कों ने उनको स्पॉट कर लिया। फिर वहाँ तूतू मैं हुई, हुज्जत हुई, उसके बाद हाथापाई हुई, फिर उस स्कफल में इन लोगों ने उनको स्टैब किया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक टीम का गठन किया। टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए और साथ ही पुलिस ने अपने लोकल इनपुट्स का भी सहारा लिया। इस दौरान पुलिस को फुटेज में कुछ लड़कों के बीच झगड़ा होता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने वारदात के बाद नाबालिग को पहले ही हिरासत में ले लिया था। इसके बाद बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आरोपियों के परिवार वाले और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। आखिर में लोकल इनपुट पर पुलिस को एक रोहित नाम के शख्स की मंगोलपुरी इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर रोहित और मुकेश को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के नाम मुकेश और रौनक है, जबकि तीसरा आरोपी नाबालिग है। तीनों ही मंगोलपुरी के रहने वाले हैं। मुकेश पेशे से ड्राइवर है, रौनक पोस्टर चिपकाने का काम करता है, वहीं मृतक अमरदीप यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी दिया करता था। पुलिस के मुताबिक अमरदीप के दोस्त सागर की तबीयत में काफी सुधार आया है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है।